की सिचुएशन है, पिछले कुछ दिनों में कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ ज़िलों में कुछ फर्दर रिस्ट्रिक्शन ईज करने की परमिशन दी थी। उसको देखते हुए आज से वीकेंड लॉकडाउन तो रहेगा, बाकियों में हमने ईज़ दी है। शॉप्स वगैरह हैं तो 5 दिन ओपन की जा रही हैं, आज मार्केट का फर्स्ट डे है। लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों से भी यही अपील की गई है कि लोग इस चीज़ को बड़े केयरफुली देखें और मार्केट में जितना कम हो सके उतना है, बड़ी ज़रूरत हो उतना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अगर ओपनली आने लगेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं कहेंगे तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ है। साथ ही साथ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को हिदायत दी गई हैं कि आप अच्छे तरीके से इन्फोर्स करें, जो लोग में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की नहीं सामने आ रही है तो उसके लिए एग्जेम्पलरी फाइन और पेनल्टीज भी इम्पोज करें, ताकि हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई हैं वो कंटिन्यू रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापस रोल बैक होना पड़े, सिचुएशन और ख़राब ना हो जाए। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा केयरफुल है। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है वो हमारी 70% से ऊपर हो गई है, जो 45 का ग्रुप था। इसके साथ ही साथ कल से हमारा 18+ के ग्रुप की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है हमारे ज़िले में। उसके लिए 6 साइट्स हमने खोली हैं, 6 लोकेशंस टू बिगन विद। उसमें डोडा में आपका बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में ओपन किया है, भद्रा में आपका कम्युनिटी सेंटर है नियर बस स्टैंड वहाँ पर किया है, और असर में आपका हाई सेकेंडरी स्कूल है, गंदोह में केवी स्कूल है, थाटली में हायर सेकेंडरी स्कूल है, और घट में पीएचसी घट है। इन 6 लोकेशंस में हमने कुछ 250 के करीब स्लॉट्स ओपन किए हैं, और उसमें कोविन हमारी जो साइट है उसके पास जाके लोग वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जब उनको आना है, जिस भी दिन उनका डेजिग्नेटेड है, जिस दिन उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो डेजिग्नेटेड सेंटर पर वो आएँ और अपना आधार ले आएँ, उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो कल से हमारा सिस्टम ही शुरू हो रहा है, होपफुली लोग आएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सेव करेगी। तो मेरी उम्मीद है लोग आएंगे और इसको यूज़ करेंगे। जैसे जैसे सिस्टम हमारे इनकर आते जाएंगे लोग, तो हम इसको और भी बढ़ा देंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने जो कोविड की डेथ्स हुई हैं उसके लिए बड़ा मेजर डिसीजन लिया है। उनमें उन्होंने जिन फैमिलीज़ के ब्रेड अर्नर्स नहीं रहे हैं, सोल ब्रेड अर्नर या सभी ब्रेड अर्नर्स चले गए हैं, उनके लिए उन्होंने फैमिली पेंशन स्टार्ट की है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अपनी पेंशन स्कीम्स हैं, लेकिन उसमें कुछ एलिजिबिलिटी रहती है। लेकिन उसी की तर्ज पे हमारी जो कोविड की डेथ हुई है जिसमें सभी ब्रेड अर्नर चले गए हैं, उनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हुई होगी, उसका अप्रूवल आ गया है। साथ ही साथ उन फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेज पे है, इस समय एनरोल हुए हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का भी अप्रूवल है। तो ये कुछ हद तक उनके लिए सक्कर प्रोवाइड करेगा, खासकर इस नीड पे, क्योंकि और कोई प्रोविजन होता नहीं था। तो ये सक्षम स्कीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। ये भी मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने ये चीज़ आए आपके थ्रू। बाकी हमारी जो कोविड केयर सेंटर है इस्टेब्लिश है, और इस पर जो कॉन्सनट्रेटर थे जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ कुछ सेंटर्स पे होते हैं, तो ऐसा किया गया था कि सब सेंटर्स पे हमने एटलीस्ट एक कॉन्सनट्रेटर का रिक्विजिशन गवर्नमेंट को दी गई थी, तो मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से वो आनी स्टार्ट हो गई है। मुझे कल के फिगर बता रहे हैं कुछ 60-70 के करीब कॉन्सनट्रेटर्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, आने वाले दिनों में सभी 237-240 के करीब कॉन्सनट्रेटर आ जाएंगे। तो ये हमारी इमीडिएटली कोविड केयर सेंटर में रहेंगे, बाद में जब सिचुएशन इम्प्रूव होती है यही कॉन्सेंट्रेटर हमारे लिए एक एसेट बन जाएंगे, हमारे जो सब सेंटर्स हैं इन हेल्थ सेंटर पे ये रह जाएंगे, जो कि पहले अवेलेबल नहीं रहते थे। तो हमारी अच्छी तादाद हो जाएगी, हमारा हेल्थ सिस्टम भी स्ट्रेंथन इसके साथ हो जाएगा। ये कुछ मेजर डेवलपमेंट थी। इस समय 994 हमारे एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी नहीं रहनी चाहिए हमें, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग रिपोर्ट करें हमें, ताकि ऐसा ना हो कि उस टाइम रिपोर्ट करें जब जाके हमारे पास बड़ा कम टाइम हो, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन में भी किसी एक हद तक ही वो कर सकते हैं। अगर टाइमली आ जाता है तो उसको पूरा इलाज हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई है, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जैसे ही अगर कोई टाइम किसी मूवमेंट पे वेस्ट होता है, 5-6 दिन उसने घर पे लगा लिए, तो कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। तो उस क्रिटिकल फेज से वापस आना बड़ी कम प्रोबेबिलिटी रहती है। यही सूरत हाल है। होपफुली लोग ऑब्जर्व करेंगे,
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। अभी भी बाकी जगह मैंने देखा है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको यही रिक्वेस्ट की है वो अपना अपनी जगह अलग अलग रहें और एनफोर्सिंग एजेंसी भी अच्छे तरीके से इसको एनफोर्स करें। थैंक यू। लास्ट वीक जो हम वेंसडे को जो पोजीशन थी 4.2 थी, अभी 4 के आसपास पॉजिटिविटी रेट चल रही है। तो जिस तरह मीडिया है, शॉपकीपर्स हैं, सारे हैं, वो मैंने CMO साहब के साथ डिस्कस किया है, जो भी कन्वीनियंट डेट होगी किसी तरीके से उनको करेंगे, क्योंकि सबसे वल्नरेबल ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, अभी मैक्सिमम लोग 18 से 45 के बीच में हैं, तो अभी वो ओपन नहीं हुआ, अब ओपन हो गया है, तो किसी भी दिन देखते आने वाले दिनों में तो आपसे बैठा से वैक्सीन